Emergency prevention, diagnose, treatment and care include requires that during the last 2 years of the COVID-19 and other crisis. आपने A बोला है, okay? A क्या काम करना? What is the second most common of spreading HIV? Read your options properly. Option number 1 is from mother to child. Second, B is sharing food. C, sharing needles. Or D, sexual intercourse with HIV infected. Second most common. Correct answer. The third question is A, five. Your options are? Please keep quiet. Identification of the antibodies, identification of the antigen, or reduction in the immunity of the individual. B, correct answer. Counts. Your option. Read the option properly because you have my option. Correct. So team A is done with the. के लिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हर दिन जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, हर कोई डे मनाते हैं हम लोग। इसी तरह से आज हम जो है वो वर्ल्ड एड्स बीमारी, एड्स से जानलेवा 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 बीमारी। कुछ को नशे से मुक्त करना है, एड्स से जानलेवा बीमारी, एड्स से जानलेवा बीमारी, कुछ को नशे से मुक्त करना है, कुछ को नशे से मुक्त करना है। डॉक्टर साहब बताएं, ये जो रैली निकाली गई इसके हवाले से बताएं। जी बिल्कुल, जैसे आज हम लोगों ने ये रैली निकाली है तो आज यहाँ आपको पता है कि आज वर्ल्ड एड्स डे है जो सारी दुनिया में मनाया जाता है 1 दिसंबर को एवरी ईयर, जो 1988 के बाद जो है लगातार वो मनाया जा रहा है। और इसमें जो हमारा मेन मकसद ये रहता है कि लोगों को अवेयर करना। ये रैली इसीलिए हम लोगों ने निकाली है कि ये लोगों को हम लोग अवेयर करने के किन तरीकों से एड्स फैलती है और इसका इलाज क्या है और इससे बचने के लिए क्या क्या तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उसी सिलसिले में हम लोगों ने आज ये रैली निकाली है। और दूसरा रहा नशा मुक्त भारत का जो प्रोग्राम है वो भी इसके साथ इंटर रिलेटेड है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने ये इकट्ठे मिलकर एक रैली निकाली ताकि मैक्सिमम जनता है, मैक्सिमम लोग हैं जो वो अवेयर हो सकें। और हमारे जो NNP स्कूल के बच्चे हैं, आपको पता है ये कल का फ्यूचर है, तो ये सब लोगों को जो अवेयर करेंगे जगह जगह पे। और इसीलिए हम लोगों ने ये रैली निकाली आज ताकि इसके एड्स के जो में मुख्तलिफ तरीके से जिनसे ये फैलती है उनसे बचा जा सके। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुपरिटेंडेंट राजा सुखदेव सिंह, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। सर बताइए, जो रैली निकाली गई इसके बारे में।
देखिए आज वर्ल्ड एड डे है, 1 दिसंबर हर साल जो है वर्ल्ड एड डे के तौर पर मनाया जाता है। उसी जमन में आज हमारे यहाँ पर जो प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मनाया गया है, CMO मैडम ने, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का स्टाफ है और AMT स्कूल का स्टाफ जो है, मिलकर एक प्रोग्राम किया है जिसमें लोगों को अवेयरनेस देने के लिए हमने ये रैली भी निकाली है और एड्स के बारे में सारा कुछ डिस्कस हुआ है। सबसे बड़ा हमारा मैसेज यही है कि इस वक्त जो हमारा ये ड्रग्स अब्यूज जो हमारी लानत है, ये बहुत तेजी से फैल चुकी है, बहुत सारे नौजवान इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, उसके लिए फैसिलिटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है और इस बार का जो थीम है वो आपको बताई है इक्वलाइज अचीविंग इक्वलिटी टू एंड द HIV, और दूसरे हिसाब से हम लोग ये भी कह सकते हैं रॉक द रिबन। मेरे ख्याल से ये जो है सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा आज का थीम, रॉक द रिबन। तो अब मैं इसका ये नहीं बताऊंगी आपको कि भाई इसके साइन सिम्टम्स क्या है, एड्स क्या है, वो सबको पता है और सब लोग यहाँ पे बारी बारी जो बता चुके हैं। ये दिन हम मना रहे हैं वर्ल्ड एड्स डे, तो हमारा मकसद ये है कि हम लोगों ने मैक्सिमम जनता को अवेयर करना है। प्रोग्राम आप लोगों ने प्रेजेंट किया और बहुत सारी जानकारी बच्चों में मेरी शेयर हुई, और इवन के जो हम लोग यहाँ बैठे होते हैं, हमने भी कोई अपनी चीज़ें हमारे भी रिफ्रेश हो गए कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं बाकी चीज़ों में बिजी हुए हुए कई बार निकल भी जाती हैं माइंड से। तो मैं आपको 2-3 चीज़ें कहूँगा कि जैसे पहले कहा गया है कि वर्ल्ड एड डे को रिकॉग्नाइज करते किए हुए 1988 से लेकर आज तक 34 साल हो चुके हैं और ये प्रोग्राम लगातार चले आ रहे हैं। एड्स पर बहुत बड़ा काम किया है गवर्नमेंट ने। इसी तरह ये जो डे आज हम मना रहे हैं, एड्स है जानलेवा बीमारी, एड्स है जानलेवा बीमारी, एड्स है जानलेवा बीमारी। देखिए आज वर्ल्ड एड डे है, 1 दिसंबर हर साल जो है वर्ल्ड एड डे के तौर पर मनाया जाता है। उसी जमन में आज हमारे यहाँ पर जो प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मनाया गया है, CMO मैडम ने, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का स्टाफ है और AMT स्कूल का स्टाफ जो है, मिलकर एक प्रोग्राम किया है जिसमें लोगों को अवेयरनेस देने के लिए हमने ये रैली भी निकाली है और एड्स के बारे में सारा कुछ डिस्कस हुआ है। सबसे बड़ा हमारा मैसेज यही है कि इस वक्त जो हमारा ये ड्रग्स अब्यूज जो हमारी लानत है, ये बहुत तेजी से फैल चुकी है, बहुत सारे नौजवान इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, उसके लिए फैसिलिटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में अवेलेबल हो गई है। तो अगर कोई लोग इसमें अगर नशा में हो गए हैं, इन्वॉल्व हो गए हैं, तो वो चाहते हैं कि हमें कहीं पर इसका कोई सोर्स मिले जहाँ जाके हम चेक करवा के आप इस जगह इस चीज़ को छोड़ सकें। तो उनको हम आज इस वर्ल्ड एड डे पर एक मैसेज देना चाहेंगे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में फैसिलिटी मौजूद हो गई है, एक फुल फ्लैज OPD स्टार्ट हुई है जिसमें लेडी डॉक्टर एक रखी है और साथ में स्टाफ है जो लोगों को स्क्रीन करेंगे। अगर कोई बंदा भी इस चीज़ में इन्वॉल्व पाया गया, उसको छुड़ाने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो यूज की जा सकती हैं। तो गवर्नमेंट बड़े पैमाने पर ये कोशिश कर रही है कि हम नशा मुक्त जो है इस प्रोग्राम के तहत लोगों को इस ड्रग्स की लानत से बाहर निकालें।
आज बहुत सारे हमारे नौजवान बच्चे जो फ्यूचर था हमारा सोसाइटी का, वो इस चीज में इन्वॉल्व हो चुका है। तो इसी जिम्मे में हर डिपार्टमेंट अलग अलग किस्म के प्रोग्राम निकाल रहा है। तो आज हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने वर्ल्ड एड्स डे पे ये एड्स के बारे में भी जानकारी दी है और नशा मुक्त भारत के बारे में भी लोगों को मैसेज दिया है। वो मैसेज यही दिया है कि भाई जो अगर कोई इन्वॉल्व है, जो लोग भी यहाँ सुन रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो कहीं भी कोई अगर बच्चा इस चीज में फंस चुका है तो वो उसको अस्पताल में लाए, हम चेक करेंगे और उसको रिक्वायर्ड ड्रग्स जो है वो दी जाएगी। आपका नाम? मेरा नाम संभावना है। मैं एनएमटी स्कूल नर्सिंग पैरामेडिकल का एक इंस्टीट्यूट है जो जेके पैरामेडिकल काउंसिल के अंडर रन हो रहा है। मेडिकल हेल्थ एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट से हम बिलोंग करते हैं और आज का दिन जो है ये वर्ल्ड एड्स डे है जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसके साथ हेटनेस नहीं किया जाए, अगर हम हेटनेस करेंगे तो वो लोग अपने एचआईवी स्टेटस को छुपा के रखेंगे लोगों से। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पूंछ में क्या प्रोग्राम? हाँ, इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पूंछ में जैसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे इवेंट्स करती है, हम लोगों ने भी बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जिसमें हमने एक बच्चों का स्टूडेंट्स ऑफ एएमटी स्कूल ने एक बैनर कंपटीशन दिया है, एक रंगोली कंपटीशन हुआ, एक पोस्टर कंपटीशन हुआ, हमने एक क्विज कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज किया बिटवीन द स्टूडेंट्स, इसमें अवेयरनेस की बात की गई। और इसके साथ आम पब्लिक के लिए हमने एक रैली भी निकाली है जिसमें हमने एचआईवी एड्स के लिए लोगों को, आम पब्लिक को अवेयर किया है। थैंक यू सो मच।